तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं काफी दिनों से बाहर घूम रहा था। तो आज मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय गया था, यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड किया। ये बहुत ही अनुभव की है, अपने बच्चों को प्रधानमंत्री संग्रहालय अवश्य ले जाए और वहाँ पर घूमिए। इतना अच्छा 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 चीज है वहाँ पर घूमने लायक। अपनी कुर्सी की हेलीकॉप्टर राइड ये जो मैंने किया था, पूरा आपको हेलीकॉप्टर की तरफ फील होगा। मात्र 100 रुपये इसका टिकट है। प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि तीन मूर्ति यानी इंडिया गेट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आप जाइए एक बार जरूर घूम जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए। अच्छा अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी को डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए पूरा फील हो रहा है हेलीकॉप्टर का, यहाँ हेलीकॉप्टर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को ले जाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा बहुत सोचने वाली बात है, दिमाग भी खुलती है बच्चों को। पानी पर 9.5 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यह हमें अनोखा यानी न्यू भारत का ये डेमो, उसको उसके बारे में हमें समझाएगा। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। और बहुत ज्यादा गाड़ी घूमती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है। न्यू भारत ऐसे ही बनने वाला है, जो तटीय नौगम्य और अंतरदेशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। शॉर्ट वीडियो बना लो तुम, मैं तो बंद हो जल्दी बना दो जल्दी। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम यूं ही नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आशा है कि आपने भारत के कुछ